अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर बतूल अशरफ एंड यू आर वॉचिंग माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर बतूल अशरफ ऑफिशियल। सो वी हैव डन विद द पीआरपी टुडे। जो पेशेंट हैं हमारे वो 22 इयर्स ओल्ड हैं और स्टार्ट अर्ली थिनिंग जो है इनको स्टार्ट हो चुकी थी। हमने फर्स्ट सेशन इनका पीआरपी का किया है और उसमें हमने जो है वो इंजेक्शन लगवाया इनको, इनका प्लाज्मा इंजेक्ट किया है एंड देन वी हैव गॉन थ्रू मीजोथेरेपी और उसके बाद हम इनको पीडीटी लाइट दे रहे हैं। इससे इनकी जो है वो 70% to 80% जो है वो ग्रोथ जो है हेयर ग्रोथ जो है वो रिस्टोर हो जाएगी। चेंजेस जो है वो बॉडी में जब शुरू होती हैं वो टीनेज ग्रोथ से होती हैं। टीनेज में अगर आप हार्मोन्स का अपना ख्याल रखें, लाइक जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बढ़ रहा होता है उस वक्त आपने अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना ज़रूरी है। अगर आप वो बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर ये टूट फूट जो है वो इतनी अर्ली स्टार्ट हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, अल्कोहल से अवॉइड कीजिए, चॉकलेट्स कम से कम खाइए, हेल्दी डाइट पर रहिए, ग्रीन फूड्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कीजिए। मैं जंक फूड कभी भी जो है वो मना नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ आप लिमिट में खाइए। जब आज एक दिन अगर आप जंक फूड ले रहे हैं तो 5 days आप जंक फूड अवॉइड कीजिए, हेल्दी फूड्स दीजिए। दूसरे दिन अपने आप को ग्रीन टी, वेजिटेबल्स, ककुम्बर, इन चीज़ों पे अगर आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होता है और पीआरपी जो है वो सक्सेसफुल होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि पीआरपी सक्सेसफुल नहीं होती है। पीआरपी उस वक्त सक्सेसफुल नहीं होती है कि हम समझते हैं कि हमने एक ट्रीटमेंट करा लिया एंड दिस इज़ द परमानेंट ट्रीटमेंट, हमारे बाल जो हैं वो ताज़िंदगी अवसर पर रहेंगे। ताज़िंदगी उस वक्त रहते हैं जब आप जो हैं अपनी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। अगर हम आउट ऑफ द बैलेंस होंगे, नेचर की स्लीप साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे, डाइट अच्छी नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी में टूट फूट होगी, चाहे वो स्किन में हो चाहे वो बालों में हो। तो ही इज़ अ यंग गाय बेसिकली जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड और इनको जो है तकरीबन 3 साल से 4 साल से हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो गई थी और अब जो है हमने इनका फर्स्ट सेशन किया है। होपफुली ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग और जैसे जैसे ये फॉलो करेंगे ट्रीटमेंट इससे जो है इनको फ़ायदा होता रहेगा। इस ट्रीटमेंट के बाद आपको 6 months में फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वापस आप इसी कंडीशन पर जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए और हैप्पी रहिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।